हेलो फ्रेंड्स मैं हूं अन्नपूर्णा एंड वेलकम टू माय चैनल आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी यम्मी एंड हेल्दी बड़ा वो भी चना दाल के साथ बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से तो उसके लिए मैंने लिया एक कटोरी चना दाल जो छोटी वाली कटोरी होती है उतना लेकर मैंने इसे धो के दो घंटे तक भीगने रख दिया है दाल को हमें सिर्फ दो घंटे ही भिगने रखना है उससे ज़्यादा नहीं रखना है आप चाहो तो डेढ़ घंटे भी भिगा भी सकते हैं बट दो घंटे से ज़्यादा इसे नहीं भिगाना है अदरवाइज इसमें बहुत ज़्यादा पानी आ जाएगा और बड़े क्रिस्पी नहीं बनेंगे और उसका शेप भी अच्छा नहीं आएगा अब मैं इसको छन्नी में डाल के तब तक रखूंगी जब तक कि इसका पानी पूरा नहीं निकल जाता है मैंने इसे अराउंड बीस मिनट तक रखा है बीस मिनट बाद दाल में से पूरा पानी निकल गया और दाल एकदम खिला खिला मतलब सूखा सूखा बन गया है अब मैंने लिया एक मिक्सी का जार और उसमें मैं डाल रही हूँ चना दाल चना दाल डालकर इसे हमें ग्राइंड करना है और दाल को हमें दरदरा ग्राइंड करना है अब मैं इसमें से एक स्पून जितना दाल निकाल रही हूँ इसको हम बाद में यूज़ करेंगे अब मैं ढक्कन लगाकर इसे ग्राइंड कर रही हूँ और ग्राइंड करते समय हमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है पानी डालेंगे तो जो बैटर है वो गीला बनेगा और बड़े में अच्छे से शेप नहीं आएगा और इसे दरदरा ही ग्राइंड करना है इस तरीके से अब ये दाल अच्छे से ग्राइंड हो गया है मींस दरदरा ग्राइंड हो गया अब मैं इसको निकाल रही हूँ बाउल में यहाँ पे मैंने दाल ग्राइंड करते समय कुछ भी नहीं डाला है सिर्फ दाल को ग्राइंड किया आप ग्राइंड करते समय इसमें, इसमें मसाले या हरी मिर्च डालकर भी ग्राइंड कर सकते हैं अब दाल को मैंने निकाल लिया है मिक्सिंग बाउल में निकालने के बाद और ये है करिया पत्ती हाफ टी स्पून जीरा दो हरी मिर्च धनिया पत्ती हिंग कुटी काली मिर्च बारीक कटा प्याज नमक और ये है खाने का सोडा कम्प्लीटली ऑप्शनल है पर ये डालने से बहुत अच्छा रहेगा उसके अलावा तलने के लिए तेल है तो अब मैं दाल में डाल रही हूँ बारीक कटा प्याज बारीक कटा हरा धनिया बारीक कटी हरी मिर्च हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं उसके बाद ये है थोड़ा सा हींग वन फोर टी जितना है ऊटी काली मिर्च है जीरा हाफ टी स्पून है और करिया पत्ती को मैं इस तरीके से तोड़ के डाल रही हूँ आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा पुदीना भी डाल सकते हैं अगर आपके पास है तो अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं यहाँ पे प्याज मैंने डाला है अगर आप किसी व्रत पूजा के समय या भगवान को चढ़ाने के लिए बना रहे हैं तो उस समय आप प्याज स्किप कर सकते हैं बिना प्याज के भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है अभी मैं इसमें डाल रही हूँ एक टी नमक नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना और नमक तभी डालना जब हमको वड़े बनाने हैं पहले से नमक डालकर नहीं रखना है अब मैं डाल रही हूँ यह है बेकिंग सोडा या खाने का सोडा वन फोर टी स्पून जितना ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है पर अगर आप सोडा डाल के बनाओगे तो आपके वड़े अच्छे से फूलेंगे भी और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे और बिना सोडा के भी बहुत अच्छा बनता है तो सोडा कम्प्लीटली ऑप्शनल है पर सोडा और नमक हमें तभी डालना है जब हमें वड़े बनाने हैं पहले से अगर हम लोग नमक डालेंगे तो दाल में पानी छूटेगा और वड़े का शेप अच्छा नहीं आएगा भले आप दाल पहले से ग्राइंड करके रख सकते हैं बट नमक हमें उसी समय डालना है जब हमें वड़े बनाने हैं अभी मैंने जो एक टीस्पून दाल निकाला था उसको मैं डाल रही हूँ डाल के मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ इस तरीके से ऊपर से दाल डालने से वड़े दिखते भी बहुत अच्छे हैं और एकदम क्रिस्पी और क्रंची लगते हैं अभी मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और मैंने तेल भी गर्म होने रख दिया है अब तेल काफ़ी अच्छे से गर्म हो गया मैंने थोड़ा सा दाल लिया है इस तरीके से हमें बॉल बना के बस ऐसे हल्के हाथों से प्रेस करना है प्रेस करके अब हम इसे डालते हैं तेल में आप देख सकते हैं बड़े का शेप एकदम अच्छे से आया क्योंकि इसमें हमने ग्राइंड करते समय पानी भी नहीं डाला है और ना ही इसे बहुत ज़्यादा सोक किया है अब कढ़ाई में एक बार में जितने बड़े आते हैं उतने ही हमें डालना है बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है डालकर मीडियम हाई फ्लेम पर इस तरीके से पलटते हुए इसे क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन होते तक हमें फ्राई करना है अगर हाई फ्लेम पर इसे हम फ्राई करेंगे तो ऊपर से तो ये गोल्डन ब्राउन दिखेंगे बट अंदर से कच्चे रहेंगे इसीलिए इसे मीडियम हाई फ्लेम पर ही फ्राई करना है और अगर हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो वड़े बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे टेस्टी बनेंगे और शेप भी बहुत अच्छे से रहेगा अब ये वड़े फ्राई हो गए हैं मैंने निकाल रही हूँ प्लेट में प्लेट में निकालने के बाद इसी तरीके से हम बाकी सारे वड़े भी बना लेंगे ये वड़े आप किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं बट ये हरी चटनी या नारियल की चटनी के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही परफेक्ट लगता है और ये वड़े बनाकर इसे आप दो से तीन दिन तक भी फ्रिज के बाहर रख के यूज कर सकते हैं अब आप भी ये टेस्टी एंड हेल्दी चना दाल बड़ा ज़रूर बनाइए और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें थैंक यू